अगर आप सभी लोग भी WhatsApp का इस्तेमाल करते हो, ऐसे में आप जो यहाँ पे आपके चैट्स अपडेट्स यहाँ पे कॉल्स का ये ऑप्शन नीचे आ चुका है, तो आप ये गलती मत करना। मैं आपको क्या बहे मैं आपको बताऊंगा। ऐसे में अगर आप इसको वापस से ऊपर लाना चाहते हो तो बिल्कुल सही वीडियो पर आपने क्लिक किया है। ऐसे में मैं आपको बताऊंगा ये जो चैट्स का जो ऑप्शन जो है ना नीचे है ना, इसको आप ऊपर कैसे कर सकते हो पहले जैसे, मैं आपको ये बताऊंगा इस वीडियो में। और आप देखते रहना इस वीडियो को एंड तक। और चलिए हम बिना किसी देरी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपके पास दोस्तों कोई भी यहाँ पे मोबाइल हो और आपके पास भी यहाँ पे WhatsApp चलाते होंगे, तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी सालों से हम जो है एक ही इंटरफेस यूज़ करते आ रहे हैं चैट्स स्टेटस का इस तरीके से। अब यहाँ पे गलती हो गई, मतलब ये क्या हो गया भाई लोग, यहाँ पे स्टेटस अपडेट्स कम्युनिटीज यहाँ पे ये नीचे क्यों आ चुका है। अब यहाँ पे आप ऊपर में लाना चाहते हो, इसको ऊपर कैसे करें, ऊपर कैसे लाए, चले मैं आपको बताता हूँ बिना किसी देरी वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि ये नीचे क्यों आया है। तो ये दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोस्तों मीटा की तरफ से एक नया अपडेट है, व्हाट्सअप की तरफ से एक नया अपडेट है। आपके जितने भी चैट जो है ना ये ऊपर नहीं है, अब यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेंगे आने के टाइम पे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो ये फाइनली नीचे आ चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि भाई यहाँ पे ये उनको कंफर्टेबल नहीं होता है, हमें यहाँ पे ऊपर लाना है। तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था और मैंने एक मोबाइल में करके भी दिखाया था, तो इसी मोबाइल में मैंने करके दिखाया था, तो इस व्हाट्सअप में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसका जो यहाँ पे व्हाट्सअप चैट्स ऊपर यहाँ पे मैंने लेके आ चुका हूँ, ठीक है। तो ये मैं कैसे लाया हूँ चले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। फ्रेंड्स आप स्टेप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। दोस्तों आप देख सकते हो सबसे पहले आपको यहाँ से बैक आ जाना चाहिए। आपके पास चाहे कोई सा मोबाइल हो, आपको जस्ट यहाँ पे अपने यहाँ पे जो है मोबाइल के अंदर दो सेटिंग कर लेनी है। सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा ध्यान से उसको कर लेना है। सबसे पहले आपको अपनी WhatsApp की एप्लीकेशन को ओपन करना है। WhatsApp की एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा ऊपर राइट साइड में। अब यहाँ पे आपको इस थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएंगे सेटिंग्स के, तो यहाँ पर आपको ये जो सेटिंग्स का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे आपको बहुत सारे चैट्स के ऑप्शन आएंगे, मतलब सेटिंग्स के ऑप्शन आएंगे, तो आपको यहाँ पे जस्ट चैट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब चैट्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा चैट बैकअप। अब देखो सबसे पहले आपको अपनी चैट्स को बैकअप कर लेना है, तो ये ज़रूरी है। तो देखो मैंने अपनी चैट्स को यहाँ पे बैकअप पे लगा दिया है। अब बैकअप कैसे करना है देखो, अब यहाँ पे मेरी पूरी की पूरी चैट्स जो है ये बैकअप हो रही है। आपको भी अपनी चैट्स को जो है बैकअप करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करके अपने गूगल आईडी को सेलेक्ट करना है। ये ऑप्शन पर क्लिक करके सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी गूगल आईडी को सेलेक्ट करना है, और जो गूगल आईडी को आप सेलेक्ट करोगे वही गूगल आईडी के अंदर आपका व्हाट्सअप का पूरा डाटा चैट्स यहाँ पे बैकअप होगा। अब पूरा 100% आपको यहाँ पे चैट्स को बैकअप करने के बाद आपको बैक आ जाना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी प्ले स्टोर की एप्लीकेशन को ओपन करनी है। अब प्ले स्टोर की एप्लीकेशन ओपन करने के बाद ऊपर आपको राइट साइड प्रोफाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा सेटिंग्स का ऑप्शन, तो सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इस सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क परफॉर्मेंस, अब इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करके आपको क्लिक करना है ऑटो अपडेट्स ऐप्स। अब देखो यहाँ पे इस ऑप्शन पर क्लिक करो तो बहुत सारे लोगों के मोबाइल के अंदर ये जो ऑटो अपडेट्स ऐप है ना, ये अपडेट्स ऑल ऐप पे रहेगा या फिर इस ऑप्शन पे रहेगा। तो आपको सिंपल क्या करना होगा, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डू नॉट ऑटो अपडेट ऐप्स, तो इस पे आपको सेलेक्ट करके रख देना है ये। अब इसको यहाँ पे ये सेलेक्ट करके रखने के बाद आपको यहाँ से सारी एप्लीकेशन को हटा देनी है। अब सारी एप्लीकेशन को हटा देने के बाद ये दो काम आपको सबसे पहले करना है, चैट्स बैकअप करना है, उसके बाद ऑटो अपडेट्स को यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। अब यहाँ पे ये काम करने के बाद फाइनली आपकी एक बार से फिर जाके देख लो आपके चैट्स पूरे बैकअप हो गए या नहीं। चैट्स बैकअप करने के बाद अभी लाइव प्रूफ के साथ देख लेना, ये मैं इसी मोबाइल के अंदर जो है अभी ये जो ऑप्शन जो है इसको हटाने वाला हूँ। उसके लिए क्या करना होगा देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ से आप बैक करो और यहाँ से आपको अपने WhatsApp को लॉन्ग प्रेस कर दो, और अपने WhatsApp को लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको अपने WhatsApp को अनइंस्टॉल कर देना है। जी हाँ, आप अपने WhatsApp को यहाँ से जो है अनइंस्टॉल मार दो। अब यहाँ पे अपने WhatsApp को जो है अनइंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना होगा, अभी देखो WhatsApp को अनइंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे Instagram ओपन करना है, या फिर आप जो है Google ब्राउज़र में जाके आपको एक WhatsApp का ओल्ड वर्जन इंस्टॉल कर लेना है। जी हाँ, आप यहाँ पे Google में चले जाओ और वहाँ पे सर्च करो WhatsApp ओल्ड वर्जन, तो आपको Google में जो है यहाँ पे WhatsApp का ओल्ड वर्जन मिलेगा जहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। तो देखो आपको जाना है और यहाँ से जो है आपको सर्च करना है WhatsApp ओल्ड वर्जन, तो देखो WhatsApp ओल्ड वर्जन आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप जाके इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये प्ले स्टोर से ही है, ठीक है।
आपको गूगल में जाके सर्च करना है व्हाट्सअप ओल्ड वर्जन, तो आपको यहाँ पे व्हाट्सअप का एक ओल्ड वर्जन लेना होगा 2-3 महीने पुराना, ठीक है। अगर आपको व्हाट्सअप का ओल्ड वर्जन चाहिए तो मैं आपको डायरेक्ट प्रोवाइड करता हूँ। देखो आपको कहाँ से लेना है व्हाट्सअप का ओल्ड वर्जन, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो सिंपल सा प्रोसेस है, इंस्टाग्राम ओपन कर लो, नीचे आपको दोस्तों इंस्टाग्राम की मेरी लिंक मिलेगी जहाँ से आप क्लिक करके इस अकाउंट में पहुँच जाओगे। तो देखो यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे आपके इंस्टाग्राम के ऊपर जो है इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे ये वाला मेरा अकाउंट है इसको फॉलो करना होगा। आपको यहाँ पे देख सकते हो ये यूज़र नेम रहेगा और ये मेरा फॉलोवर्स है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मेरे अकाउंट को फॉलो करना है। अब फॉलो करने के बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पे आपको मुझे मैसेज करना है। देखो मुझे फॉलो करके आपको मैसेज करना है व्हाट्सअप ओल्ड वर्जन, देखो ये आपको टाइप करना है ओल्ड व्हाट्सअप, या फिर वहाँ पे एक रेडी डिफॉल्ट एक मैसेज रहेगा ओल्ड व्हाट्सअप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको उसी व्हाट्सअप को इंस्टॉल कर देना है। फाइनली दोस्तों आप लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हो यहाँ पे मैं एंटर हो चुका हूँ, अपने ओल्ड व्हाट्सअप को मैंने इंस्टॉल किया था। ओल्ड व्हाट्सअप को देख सकते हो यहाँ पे मेरा ओल्ड व्हाट्सअप ओपन हो चुका है। जैसे मैंने स्टेप बताई सारी स्टेप को कर लो, आपका 100% जो नीचे स्टेटस का ऑप्शन आ रहा था जो चैट्स का सारे ऊपर आ जाएंगे पहले जैसे, मैं आपको लिख के दे देता हूँ। अगर आप सारी स्टेप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो तभी आपको ये आपका ऊपर आ जाएगा स्टेटस चैट्स कॉल्स का ऑप्शन। तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हो, बिल्कुल आसान सा स्टेप है। अगर आप इसको सही तरीके से करोगे तो आपका सही तरीके से ऊपर जो यहाँ पे आ जाएगा। और साथ में दोस्तों इस स्टेप को करते समय आपको कोई भी पार्ट को स्किप नहीं करना है, इसलिए मैं कहता हूं और ये आपका आ जाएगा 100%। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू, और मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करके व्हाट्सएप का होल्ड वर्जन ले लेना।